हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सौरतुल गाजी का सीजन 5 का एपिसोड 32। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। हाँ तो बच्चों, कल हमने किसके बारे में बात की थी? कल हमने अल हकीम के बारे में बात की थी मोहतरम। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। और आज हम अदल के बारे में बात करेंगे मोहतरम। अल अदल यानी वो जिसका हर काम इंसाफ के मुताबिक होता है, जो मुतलक इंसाफ का हामिल हो, हर काम को उसके वक्त पर अंजाम देता हो। रब ने जब ये दुनिया बनाई, पहाड़ों को उसने ऊंचा बनाया, जैसे दरिया और समंदर को गहरा बनाया है। बच्चों, सर्द को बनाया है उसने, उसके मुकाबिल गर्म को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बराबरी और तरतीब को अदल का नाम दिया है और इसमें बहुत से सबक रख दिए। मसलन, बिल्ली अगर उड़ पाती तो आसमान पर कोई परिंदा ना होता, और परिंदे अगर तैरना जानते तो दरिया में कोई मछली ना होती। सही बात है। अल्लाह ताला इस मुनसिफाना और मुतवाजन निजाम को अपनी बनाई हुई मखलूक में भी देखना चाहते हैं। निजाम कैसे कायम कर सकते हैं मोहतरम? आप ये आदिल बनकर कर सकते हैं, जैसे कि कुरान करीम की आयत बताती है। और हम मुनसिफ कैसे बन सकते हैं? जो सच का साथ दे, ताकतवर का नहीं, वही मुनसिफ होता है। आपको मैं सहाबा किराम की मिसाल देकर समझाता हूं बच्चों। अपने इंसाफ से मशहूर हजरत उमर नमाजियों की तादाद बढ़ने की वजह से मस्जिद नबवी की तौसी करना चाहते थे, और इसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के रोज़े मुबारक के अतराफ की जमीन दरकार थी उन्हें। आपने जमीन के मालिकान को अकदार के मुताबिक रकम की पेशकश की। उसमें जमीन का एक हिस्सा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का था, लेकिन हजरत अब्बास उसे फरोख्त करने के लिए राजी नहीं थे। अमीर के करीबी अफराद हजरत अब्बास के पास हैं हम, ताकि मस्जिद की तौसी जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाए। हजरत अब्बास ने यह कहकर मना कर दिया, जितनी चाहे पेशकश करो, फरोख्त नहीं करूंगा मैं। हजरत उमर ये मसला अदालत में ले गए और इंसाफ के लिए मशहूर हजरत उबैद बिन काब के सामने पेश किया। अब एक जानिब रियासत मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के लिए वहां मौजूद थे हजरत उमर, और दूसरी तरफ थे जमीन के मालिक हजरत अब्बास। जनाब उबैद बिन काब ने हजरत उमर से मुद्दा सुना और हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास मुखातिब हुए और कहा, मैं इस जमीन का मुख्तार हूं, जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। इन्होंने हर मुमकिन पेशकश की है, लेकिन मैं ये जमीन फरोख्त नहीं करूंगा। सब्र रखो आइबर्स, आगे सुनो। उबैद बिन काब ने फरीकैन की सुनने के बाद और अच्छी तरह से मसला समझकर वो फैसला सुनाया जो तारीख बशर में एक उम्दा मिसाल बन गया। इस्लामी कानून के मुताबिक किसी खित्ते जमीन पर मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वजह और मकसद कितने ही बड़े क्यों ना हो। इसलिए हजरत अब्बास हक पर है। ये बात उस वक्त जब कातिब ये तारीखी फैसला तहरीर कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने एक आवाज सुनी। वो आवाज हजरत अब्बास की थी। उन्होंने कहा, आज से ये जमीन रियासत के इख्तियार में देता हूं मैं, ताकि मस्जिद की तौसी की जा सके और इसकी मुझे कीमत भी नहीं चाहिए। आज से अपनी मैं ये जमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हवाले करता हूं।
काजी उबैद बिन काब शशदर रह गए और कहा आपको तो इजाफी रकम की पेशकश हुई और आप मुसल। हजरत अब्बास मुस्कुराए और फरमाया ये मसला अदालत इसलिए लाने दिया ताकि दुनिया ये जान सके कि इंसाफ की इस्लामी कानून में क्या हैसियत और मकाम है। तो प्यारे बच्चों, इंसाफ को जिंदगी का उसूल बनाने वाले हजरत उमर, उन्होंने यरूशलेम और बहुत से इलाकों को इस्लामी रियासत में शामिल किया। तारिक बिन ज़ियाद समंदरों में लड़ते हुए उदलस पहुंचे और वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। शानदार हाकिम सुल्तान अरसलान, उन्होंने भी इंसाफ को अपनाया और भी इसी तरह इंसाफ की राह पर चलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत से दरवाजे खोल दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब, अगर जरूरत पड़ी तो पहाड़ों से भी आपके लिए बूटी लेकर आऊंगा मैं। जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया है हम उनसे इंतकाम जरूर लेंगे। बाहर जाओ यहां से, बैठे रहे, आराम करें, सोचा नहीं था ये दिन भी देखूंगा आर्तुक भाई। उन्होंने आपकी आंखें नहीं दिल जला दिया है मेरा। एक्चुअली भाई ये आंखें इतनी आम नहीं है जितने आम हमारे राज हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारी दयानतदारी और वफादारी आपके साथ मजबूत है अर्थरुल भाई। इनके आगे मेरी आंखें कुछ नहीं। जानता हूं आर्तुक भाई, जानता हूं। मालूम है कोई राज फाश नहीं किया होगा आपने। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं सजा जरूर पाएंगे। अर्तुरुल भाई, उन लोगों ने अपने चेहरे ढांपे हुए थे, कह रहे थे इस काम पर ड्रैगोस ने उन्हें मामूर किया है। वो संदूक का पूछ रहे थे भाई, लेकिन ड्रैगोस के आदमी संदूक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सही सोच है आपकी आर्तुक भाई। उस संदूक की तलाश में मंगोल है। वो किसी को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? अमीर बहाउद्दीन। वो तो है, लेकिन कुछ और भी है मेरे साथ। बंदा उधर उधर। वो क्या है? मंगोलों के कहने पर ओस कबाइलियों को उसने कत्ल किया था और वो तुर्क है। मुमकिन है ये काम उसका हो। अमीर बहाउद्दीन से जरूर उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि उस शख्स अलबस्ती का हाथ है इसमें आर्तुक भाई, लेकिन सुकून से नहीं रहेगा वो। चाहे वो शख्स कोई भी है, उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। हाथ टूटेंगे उनके इंशाल्लाह, आफियत से नहीं रहेंगे वो। अर्तुक भाई जैसे इंसान के साथ कितना जुल्म किया उन लोगों ने। उनसे इंतकाम लिया जाएगा, बच नहीं पाएंगे वो, लेकिन सही वक्त आने पर। आर्तुक साहब अब कैसे हैं? ठीक तो है ना? कैसे हो सकते हैं वालिदा, कैसे हो सकते हैं? देखिए लोग गुंडों तो उन लोगों को भी नहीं पता। बर्ताव ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ ना हुआ हो।
उनकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना बेटा। दुनिया और अलाई के दरमियान तमाम कबाइल के तबीबों को पैगाम भेजूंगा, हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं। अर्तुरुल, कल किले जा रहे हो तुम, उनसे अच्छाई की उम्मीद हरगिज नहीं, मगर मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते, लेकिन एहतियात लाजमी है। ऐसी कोई रात नहीं जिसका खात्मा ना हो और रोशनी ना हो वालिदा। ये मुश्किल वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। अर्तुरुल भाई, इंशाल्लाह आप उस खातून को उन वहशियों के पंजे से जरूर छुड़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। खैरियत तो है, कैसी परेशानी भाभी? अमीर बहाउद्दीन, उनकी इलबिलगे खातून से कोनिया में शादी तय होना थी, इसीलिए वो साथ जा रही थी, सरमा खातून ने बताया था। इलबिलगे खातून वाकई उस दिन बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा तो बेबुलात ने बात बदल दी, तो ये सबब था। सिरमा खातून, अर्तुरुल सरदार हमें निशाना बनाना चाहते हैं, उमरुलार कबीले को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सरजमीन के सरदारे आला हैं। उन्हें अगर कबीले को निशाना बनाना होता तो हम सब जिंदान में होते। आपने ठीक कहा सिरमा खातून, मगर हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं। हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं, हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। खामोश हो जाए तमाम सरदारान, इस मुश्किल वक्त में भड़कती हुई आग को हम और हवा नहीं दे सकते। मैं सराय गई थी, उन्होंने यकीन दिलाया है मुझे, हमें अच्छे बर्ताव और सब्र से काम लेना होगा। सरदार बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। सिरमा खातून, सिरमा खातून, बेबुला सरदार कत्ल हो गए। क्या काश ये खबर सुनाने से पहले मैं मर चुका होता। हम इंतकाम लेंगे, हम इस तरह से खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार के साथ जुल्म हुआ है, नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी, जो कुछ भी हो जाए। अक्सर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे बाबा का कातिल ड्रैकोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सत्यवाद के लिए कोशाए, बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें, कबीले में हिफाजती इंतजामात बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। क्या मेरे भाई की लाश अपनी आंखों से देखी है तुमने? इसकी क्या जरूरत है सिरमा खातून, एक ताजिर से खबर सुनी है। मैंने सराय जाकर जानने की कोशिश की थी, मगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया। उमूर सरदार की बेटी की हैसियत से मैं आपको हुक्म देती हूँ कि अफवाहों पर यकीन करने से बेहतर है समझदारी से काम ले। अगर ये मनहूस खबर सच है तो काई कबीला उमरुलार की ताकत को फरामोश कर बैठा है। हम उन्हें याद दिलाएंगे कि उमरुलार कौन है और क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है सबसे पहले हमें वो जानना होगी। अगर हम रात के पहर तलवारें लेकर काई कबीले पर हमला कर दें तो हम एक ऐसी खबर के लिए लड़ रहे होंगे जिसकी हमने कोई तहकीक नहीं की। कल मैं काई कबीले जाकर अर्तुरुल सरदार से खुद बात करूंगी, लेकिन तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार रहेंगे। स्मार्ट है। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ बुरा किया है तो मैं कसम खाती हूँ उन सबको जान से मार दूंगी, तबाह बर्बाद कर दूंगी उस कबीले को। और अगर ये खबर झूठी हुई तो ये झूठी खबर लाने वाले का सर तन से जुदा कर दूंगी।
طلوع آفتاب تک آئیں گے ترکت، قلعے کے قریب ملیں گے ہم، تمہیں یہیں رہنا ہوگا بمسی۔ لیکن بھائی کس لیے؟ میکس نے اگر وہ خبر ڈریگوس کو دی تو یقیناً وہ اس خبر کو عمر اللار تک ضرور پہنچائے گا، صورتحال پیچیدہ ہو جائے گی، ہمیں سعود اور یہاں بھی پوری طرح محتاط رہنا ہوگا۔ ہماری واپسی تک قبیلے کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ جو آپ کا حکم بھائی۔ یہ سونا گھوم پھر کے پھر ہمارے پاس آ گیا بھائی، اس کا مطلب صاف ہے یہ منگولوں کے پاس جانا ہی نہیں چاہتا۔ اور اب ہم یہ خونی درندوں کو دینے جا رہے ہیں۔ تم یہ فرض کرو کہ قلعے میں ہر جانب دشمن موجود ہیں اور ہم ان پر حملہ کر کے یہ مارکا سر نہیں کر سکتے، کیا کرو گے؟ مرتے دم تک ان سے مقابلہ کروں گا۔ تمہارا کیا خیال ہے بمسی؟ بھائی میں قلعے سے نکلوں گا اور ان کے لشکر پر چڑھائی کر دوں گا۔ اور تم عبد الرحمن؟ لڑتے ہوئے جان دے دوں گا میں۔ بھائی اور آپ کیا کریں گے؟ قلعے کے تمام دروازے کھول کر باہر نکل جاؤں گا بمسی۔ کیوں بھائی؟ محاذ کے دوران کبھی قلعے کو چھوڑ دینا مفید ہوتا ہے، قلعہ تمہارے جانے کے بعد دشمنوں سے بھر جائے گا ترکت، اور جب وہ قلعے پر قبضے کی خوشی میں جشن منا رہے ہوں گے اس قلعے کو چاروں طرف سے گھیر کر دروازوں کو قفل لگا دوں گا۔ جو قلعہ ان کے لیے خالی چھوڑا تھا وہی ان کا قبرستان بن جائے گا۔ اس طرح انہیں برباد بھی کر دو گے اور اپنا قلعہ بھی حاصل کر لو گے دوبارہ۔ جیتنے دو انہیں، ہم ان کی اس جیت کو مستقبل میں ان کی ہار میں بدل دیں گے۔ پہلے البلگے خاتون کو بچائیں گے، اس کے بعد صرف اپنا سونا ان سے واپس نہیں لیں گے بلکہ ان کے سر بھی لیں گے۔ لیکن بھائی جب ہم ان کے سارے مطالبات مان لیں گے تو کیا وہ البل کی خاتون کو چھوڑ دیں گے؟ وہ یہ نہیں کریں گے بمسی۔ وہ تو صحیح بولا۔ یہ ان کی چال ہے جس کا آغاز انہوں نے البل کی خاتون سے کیا ہے، ان کا اصل ہدف میری زندگی ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے بھائی؟ سنا ہے کھانا نہیں کھا رہی ہو تم، ممکن ہے کمرے میں بھوک مر گئی ہوگی اس لیے یہاں تمہاری ضیافت کا انتظام کیا ہے، بیٹھو۔ بھوک مٹے گی تو صرف تمہاری لاش دیکھ کر۔ بہت سخت مزاج ہو لیکن کھانے اور گفتگو سے یقیناً کچھ نرمی آ جائے گی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ لگتا ہے تیرے بھائی کو مار دیا۔ کیا تم نے اچھا نہیں کیا؟ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے سجایا گیا یہ دسترخوان تمہارے ہی خون سے رنگ جائے۔ Thank you.
इस खाने की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। तुम्हें क्या लगता है सजा से बच जाओगे? आग से खेलने की कोशिश की है तुमने, इसी आग में झुलस कर मरोगे। मरेंगे मरेंगे बहुत जल्द। अर्थुरुल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं, कल के लिए आकर अपना फैसला बताएगा। रजामंदी के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसा तुम सोचते हो? सराय में दे देते हैं, लेकिन उसने मुझे नहीं तुम्हारे भाई बेबुलात को अपनी तलवार से जवाब दिया है। क्या कहना चाहते हो? हाँ, तुम्हें कैसे पता चल सकता है कि खातून अर्तुरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलात को कत्ल कर दिया है? अब क्या कहोगी तुम? झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता अर्तुरुल सरदार, ऐसा नहीं कर सकते। ये वाक्या जिंदान में हुआ, पहले उसे कैद किया और फिर वहीं कत्ल कर दिया। मैं नहीं मान सकती। आएगा नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो कल उससे खुद पूछ लेना। इन जैसों को नरमी रास ही नहीं आती है। हाँ, रुक जा तू, रुक जा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाइए। अरे ये इब्नुल अरबी के शागिर्द। कौन है आप? कौन है? ज़हमत मत कीजिए अर्तुक साहब, आपके साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख पहुंचा है मुझे। इस दुनिया में पैदा होने वाला एक मुसाफिर। ज़हमत क्यों ना करो, काबिल एहतराम है आप। जिस वक्त मैं आपसे मिलने आ रहा था, रास्ते में ही ये मुसीबत आन पड़ी मुझ पर, इसीलिए आपको आयादत के लिए यहां आना पड़ा। अब तो आपको देख भी नहीं सकता, इस्तकबाल के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता मैं। इसका बहुत अफसोस है मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी रसा जो भी हो, चाहे आसान हो या मुश्किल, हमें मंजूर है। या फिर कोई मुसीबत हो, अल्लाह की मसलहतों को हम नहीं समझ सकते। शिकायत नहीं करता मैं, अगर रब ने मुझे दो से ज्यादा आंखें भी दी होती तो वो सब इस नेक मकसद की खातिर कुर्बान कर देता। सिर्फ एक हकीकत है जिसे मुझे तस्लीम करना होगा कि मैं अब नाबीना हूं। थोड़ी सी मुश्किलात बस और बढ़ जाएंगी जिंदगी में। अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है अर्तुक साहब। हो सकता है जाहरी तौर पर ना देख पाना आपके दिल के नया खानों को रोशन करने का सबब बन जा, बंद आंखों से ही दिखाई देता है। वो आंखें जिनका जाहरी दुनिया से कोई राबता ना हो, वो दिल में ही झांकती हैं, उस दिल की तलाशी लेती हैं। अल्लाह जिसमें रहता है। इश्क इलाही की तलाश की कोशिश क्या फर्ज है, जबकि अपना मकाम हम जानते हैं, हुदूद जानते हैं। इश्क इलाही को हम तलाश नहीं करते, वो हमें तलाश करता है अर्तुक साहब। इश्क हमें खिलाता है, पिलाता है, हमारी रखवाली करता है। मालूम है उसके पर ऐसे होते हैं जैसे कोई तेज धार तलवार हो, जो हर उस चीज को काट देती है जो बंदे को इश्क से दूर करती है। इसे देख नहीं सकते। इश्क की खुशबू मुश्क को अंबर जैसी है, लेकिन
बदनसीब उसे सुन नहीं सकते। इस इश्क का जायका शहद मिले शरबत जैसा है, लेकिन बदबख्त इसे चख नहीं सकते। मगर ये इश्क आंखों से दिखाई नहीं देता, ना कानों से सुनाई देता है, ना ही बुरी जुबान वाला इसे चख सकता है। जुबाने इश्क तो सिर्फ दिल जानता है। इश्क सिर्फ दिल से देखा जाता है, दिल से सुना जाता है और दिल से चखा जाता है। अल्लाह हमेशा उन्हीं का साथ देता है। इश्क इलाही में पागल होना है मोहतरम। अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तू हमेशा अपने मुत्तकी और परहेजगार बंदों को चलाता है। आमीन आर्तुक साहब, आमीन। बात के लिए यार तुम्हें नहीं मानेगा, वो प्लान क्या है कुछ ठीक है समझ गया उसके जाप से हर जगह ना तो ये तो प्लान किया। सिपाही तैयार है सिरमा खातून। सिपाहियों के बगैर वहां जाना मुनासिब नहीं होगा सिरमा खातून। फिर दोहराती हूँ मैं, सिपाही कबीले के बाहर रुककर हमारे इशारे का इंतजार करेंगे। तलवार दीजिए। इस किले में कमांडर ड्रेगोस के मेहमान हैं आप, तलवारें नहीं देंगे अपनी। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते अर्तुरुल सरदार। अगर ऐसा है तो कमांडर ड्रेगोस से कहो कि हम आए हैं और तलवारें नहीं दे रहे। आपको तलवारें देनी होंगी अर्तुरुल सरदार। मैं इस किले में तुमसे मुआयदा करने आया हूं ड्रेगोस।
पे रहे। ये भी इधर ही है। तो मतलब गलत शख्स से बात करने आ गया मैं। मेरे सामने एक बुजदिल इंसान है। अर्तुरुल सरदार। भाई अब मेरे को फुल प्लानिंग देखना है। देखो उसको मारा तो नहीं, उतना तो कंफर्म है, पर प्लान क्या है वो देखना है। वो अभी मुझे लग रहा है कि वह ना अभी ये महल फतेह करेगा। देखो वो तो करना ही है, लेकिन अभी कैसे, क्या प्लानिंग है, उसको कैसे इन्वॉल्व किया है, उसको पहले तो सुनने ही उसको समझाया कैसे, वो एक है ऑफ कोर्स। अभी लेकिन इसकी बहन भी हो रही है, लेकिन इसकी बहन थोड़ी स्मार्ट है। सो वही बोला ना, उसको अफवाह पे ध्यान मत दो, रुको, उसको सजन की बात है, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है ये, तो थोड़ा सब्र करो। सब्र पे मतलब बोलते ना, पर मेरे को आर्तुक साहब को देख के बहुत पेनफुल, मतलब बोलते ना बहुत ऐसा लग रहा है कि यार क्या है। वो बोलते ना वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स थे वो, बहुत समझदार, बहुत सुलझे आदमी बताए वो, जिस तरह वो बोलते ना इश्क की हवा, वो सब सोच के भी इतना अच्छा लग रहा था, कह रहे थे तभी वो तो मारना ही है, लेकिन अफकोर्स की कैसे पता लगेगा वो सवाल है, क्योंकि इसने सारे कॉर्नर ना सील कर दिए। अभी बहुत कम लोगों को पता असली ड्रैगन्स के बारे में, तो वो देखना है। ऑफ कोर्स ये प्लान उसी के लिए शायद बना होगा कि असली ड्रैगन्स बाहर निकले। ठीक है, हम और देखेंगे, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।